हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक न्यू वीडियो। सो गाइस, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक व्यूअर्स ने कमेंट किया था कि जो पावर सेट है, पावर सेट का जो ऑप्शन है वो काम नहीं कर रहा, डाटा नेटवर्क एयरप्लेन मोड काम नहीं कर रहा। इसलिए मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बनाया है। ये जो आप देख सकते हैं, ये आप मैंने बनाया है आइकन पैक के पीछे, वीवो एक्स 50 प्रो का है। ये वीडियो में काफ़ी जल्दी वीडियो मैं यूट्यूब पर अपलोड कर लेना करूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। सबसे पहले हमें पावर सेट एप्लीकेशन को ओपन करना है। सबसे पहले मैं जो ऐप बना चुका हूँ, मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा। ये जो ऐप ड्रावर वीवो एक्स 50 प्रो ऐप ड्रावर के नाम में, सबसे पहले ये पावर चैट एप्लीकेशन को ओपन करना है, या वन चैट एप्लीकेशन को। सबसे पहले ये जो देख सकते हैं, ये जो रनिंग है, इसे रनिंग को ऑफ कर देना है। अगर आपका कंट्रोल सेंटर ऊपर आता हो, उसके बाद ये जो हेल्पफुल टिप्स पे क्लिक करना है, ये सबसे ऊपर वाला ऑप्शन, उसके बाद कॉल बैक टाइटल्स सबसे ऊपर वाला ऑप्शन क्लिक कर देना है। इजी में थोड़े है यार। क्लिक करने के बाद ओपन सिस्टम साइड पर क्लिक कर देना है, आपका कंट्रोल सेंटर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं डाटा नेटवर्क एरोप्लेन मोड लोकेशन सारा का सारा कंट्रोल सेंटर में जितनी भी नाम है वो आ चुका है यहाँ पर। अगर आपको कोई वर्किंग नहीं कर रहा तो फिर सिस्टम कंट्रोल सेंटर से देखकर यहाँ से लिखेगा। सिस्टम कंट्रोल सेंटर अगर आपका ऊपर आता है, वीवो का तो नीचे आता है, मेरा वीवो है इसीलिए मेरा नीचे आता है, मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपका कंट्रोल सेंटर ऊपर से आता है तो फिर ये जो मैं बैक करके आपको दिखा देता हूँ, जो रनिंग है, रनिंग को ऑफ कर देना है। ऑफ करने के बाद सिस्टम कंट्रोल सेंटर आपका वर्किंग करेगा। उसके बाद कॉल बैक टाइटल सर फिर से जाएंगे, उस शो मी पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद मोबाइल डाटा डाटा नेटवर्क लोकेशन आपको सिस्टम कंट्रोल सेंटर में जो स्मॉल लेटर हो या बिग लेटर हो, जो स्पेलिंग से लिखा है वही ही आपको लिखना है। लिखने के बाद आपको बैग चले जाना है, सब आपको वर्किंग देखने को मिल जाएगा। उसके बाद रनिंग को फिर से ऑन कर देना है, एक्सेसिबिलिटी पे चला जाएगा। एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन आपको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद ये हमारा वर्किंग करने लगेगा, हमारा सारा का सारा ऑप्शन अभी वर्किंग करेगा। डाटा नेटवर्क हो या वाईफाई हो या लोकेशन हो या स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो, मैंने कहा कि सिस्टम साइड में जो टाइटल्स है वो आपको लिख देना है, वो कंप्यूटर टाइटल्स पे, तो फिर आपका सारे ऑप्शन वर्किंग देखने को मिल जाएगा। डाटा नेटवर्क हो या वाईफाई हो, एरोप्लेन मोड हो, फ्लैश लाइट हो या ब्लूटूथ हो या हॉटस्पॉट्स हो, सारे ऑप्शन आपको वर्किंग देखने को मिल जाएगा। सो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो क्या होता है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं जल्द ही रिप्लाई दूंगा दोस्तों। सो वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को एंड करने से पहले तो फिर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।